जी हरि जी, स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नया नया नीला पटका पहन लिया आपने जी। जब लाल पटके और हरे पटके, लाल केसरिया गुलाबी गुलाबी छोड़ दिए ना, पहले तो पहन रखे थे सारे पड़ता है जी, कि जो पलवल के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ सके। और जिस तरह जो कमियां लाल पटके और हरे पटकों पे रह गई, उस नीला पटका उसको पूरा करेगा, नीला ढक देगा उसको जी, ढक देगा। चलिए तो हरित बैसला जी, क्या सोच करके ज्वाइन किया, चुनाव वुनाव की तैयारी है? देखिए, मैं पलवल से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, और जिस तरह से जो आज तक पलवल जिले के साथ, आप पूरे हरियाणा की बात मैं करूँ कि हरियाणा की मुख्य धारा से पलवल को हमेशा दूर ही रखा गया। तीन तीन विधानसभाएं पलवल में रही। होटल की बात करूँ मैं या तीन की बात करूँ, पलवल जिला विकास के उन मापदंडों पर आज भी खरा नहीं उतरता कि जब 15 अगस्त 2008 को ये जिला बना। आप सोचिए कि 2008 से जिला बनने के बाद भी आज भी पलवल अपनी जनसुविधाओं के लिए किस तरह के हालात पर खड़ा है। तो उन सभी जनसुविधाओं के लिए आप सबके बीच से, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी राय बैठे सामने, मैं सुन रहा था, मुझे बहुत एजुकेट मैं इन सबसे हुआ हूँ, और आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सबकी राय लेने। एजुकेट तो बहुत हो पहले से ही। देखिए, वो एजुकेशन वो किताबी एजुकेशन है, लेकिन जिस तरह के सामाजिक पृष्ठभूमि की और राजनीतिक बातों की एजुकेशन है, वो ऐसे स्टेज पर। मुझे एक बात बताओ हरित बैसला जी, जी ये जो नीला पटका पहना है जी, केतली वाला जी, कितने दिन लगे विचारधारा समझने में उनकी? देखिए, जहाँ तक हमारी विचारधारा की बात है, जब हम जैसा युवा जो आम घरों से उठकर और जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहता हो, तो उसके पहले सबसे बड़ी जो दीवार खड़ी होती हुई होती है कि वो प्रत्याशी किस तरह से बने। अब ये जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वालों की पार्टियां हैं, जहां बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वहां हम जैसे व्यक्ति को कौन स्वीकार, मतलब वहां दाल गलेगी नहीं तो फिर आगे देखें। दाल भी गलने लग जाएगी जिस दिन पलवल का युवा अच्छा एजुकेटेड हो जाएगा, जिस दिन यहाँ के लोग समझने लग जाएंगे कि उनके लिए असली मुद्दे क्या है, उस दिन दाल भी गलने लग जाएगी। मेरे मन में एक विचार आता है हरित जी जी, मैं बहुत सारे नेता देखे हैं मैंने पलवल में भी और पलवल के आसपास भी, फरीदाबाद भी जी, खासकर ये नीले रंग वाला जो पटका है जी, ये तभी पहनते, लगता है कि जैसे एक तो स्पेशलिस्ट वोट मिल जाएगा, भाई ये वाला वोट तो इनका है ही है, ये तो मिल ही जाएगा, भाई ये नीला पटका अगर पहन लो, खाती वाला पहन लो। अब वो चंद्रशेखर जी आ गए, कल हमारे एक और साथी ने भी पटका पहना था नीला जी, तो ये लगता है कि नीला पटका पहन लो इससे बात बन जाएगी, आपके मन में भी यही आया क्या? देखिए, जहाँ तक एक वोट मिल जाएगा ठीक ठाक सा, जब दूसरी बात और पता जोड़ूंगा आपके साथ जी, उनके प्रति ये प्यार उमड़ता है या ये लगता है कि वोट बैंक है? देखिए, जो हमारे लोग हैं हमारे रंग को देख करके रंग जाएंगे, हमारे रंग में हमें वोट दे देंगे, हम भी आगे चले जाएंगे। जो दबे कुचले और पीड़ित व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि सरकारी सुविधाएं क्यों बनी, सरकारी अस्पताल क्यों बने, सरकारी स्कूल क्यों बने, सरकारी अच्छे इंस्टीट्यूट्स क्यों बने, वो इसलिए बने ताकि गरीब व्यक्ति जो दबा कुचला है, जिसके पास इतने संसाधन नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दिला सके, उनके लिए बने थे। जो अमीर व्यक्ति है, जो सक्षम है, वो तो कहीं भी विदेश में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा सकता है। तो मैं तो उन व्यक्तियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिनके पास इतने संसाधन नहीं है जो मजबूती से अपने बच्चों को आगे ले सके। देखिए, मैं आपको सिविल हॉस्पिटल की बात करूँ, यहाँ सभी लोग बैठे हैं, कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमारे ऑपरेशन थिएटर का एसी खराब रहता है 10-10 दिन, वहाँ किसका ऑपरेशन होता है? वहाँ गरीब व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, उन माओ बहनों का होता है जिनके पास पैसे जो हमारे गेस्ट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी वॉल्यूम इतनी रखे कि उनके पास ही रहे। और जहाँ तक अब यहाँ गरीब व्यक्ति जो बैठा है, उसको टीवी की दवा 20-20 दिन नहीं मिलती, ये पीड़ा किसके सामने? आप बताइए कि हरियाणा के अंदर, रोहतक के अंदर आप एक रोड पे 6 से 7 यूनिवर्सिटियां हैं, बताओ पलवल के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियां खोली जी 2008 से और आज तक? मुझे एक यूनिवर्सिटी पलवल के अंदर आप बता दो हाँ। किसी ने खोली हो तो एक हाँ। नर्सिंग कॉलेज, उसको 10 साल हो गए हाँ। इन्होंने बिल्डिंग बना के उनके सिविल हॉस्पिटल में खड़ी कर रखी है हाँ। बताओ एक बच्चे ने वहां से नर्सिंग किया हो? मेरा सवाल है सत्ताधारी लोग जो यहाँ बैठे हैं, कि आज तक नर्सिंग की क्लास वहां पर क्यों नहीं लगी? सत्ताधारी लोग सुने भाई, कि आज तक नर्सिंग की क्लास क्यों नहीं लगी? यदि 180 सीट भी वहां होती एक साल की, तो आज 1800 बच्चे नर्सिंग कर गए होते। मैं सत्ताधारियों से पूछना चाहता हूं कि जो 39 से 40 ट्रेन चलती थी दिल्ली के लिए, आज वो 12 से 13 क्यों हो गई? आप देखिए कि परसों का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ ट्रेन का। तो आपने ट्रेन का, आपकी बात से सहमत हूं कि ट्रेन क्यों कम हुई, हम भी आवाज उठाते रहे और अब पूछेंगे जनप्रतिनिधियों से कि उन्होंने कितनी आवाज उठाई। ठीक है, आम जनता, आम दूसरा आपने बोला मुझे ये जो नर्सिंग कॉलेज है 10 साल से बंद पड़ा, सिविल हॉस्पिटल बिल्डिंग बनी, ठीक है दूसरा जी। और जब आपको, आपके बच्चे आपकी बहनें अगर पढ़ना चाहें, कहाँ जाएंगी वो? रोहतक जाएंगी, सोनीपत जाएंगी, कानपुर जाएंगे, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहे कहाँ जाएंगी? रोहतक जाएंगी। क्यों ना हम ऐसी सुविधाएं अपनी बहनों को, अपने युवाओं को, अपने पलवल जिले के अंदर दें। हमने 3-3 विधायक पलवल जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दिए,
सरकार बनाने में पलवल का बहुत अहम योगदान रहा, लेकिन क्यों नहीं खुला 10 से 10 साल से नर्सिंग कॉलेज में क्लास क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं आज तक एक यूनिवर्सिटी खुली जब हर जिले के अंदर यूनिवर्सिटी है, भिवानी के अंदर बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, सिरसा के अंदर देवीलाल यूनिवर्सिटी है, जींद के अंदर रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, रोहतक के अंदर MDU है, छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कौशल विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है। देखिए वो दुधौला में है, पृथला विधानसभा में आती है, लेकिन फिर भी उसको पलवल के जुम्मे अगर ठोकते तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक गरीब बच्चे की बीटेक की फीस 70 से 1 लाख रुपए तक है, 70,000 से 1 लाख रुपए। पंचायतों ने अपनी जमीन दे दी सरकारी यूनिवर्सिटी का, उसको नाम दे दिया, लेकिन उसके अंदर फीस 1 लाख रुपए कौन देगा, गरीब किस लिए खोली थी यूनिवर्सिटी हो, इससे अच्छी तो प्राइवेट कॉलेज से करा लेते बीटेक हम वहां से। तो सरकार को, यहाँ बैठे थे रघुबीरा जी कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी CM के बारे में बता रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल के अंदर रोहतक में खोल दी सारी यूनिवर्सिटियां, सारे स्टेडियम वहां बना दिए। जब हर जिले के अंदर हरियाणा के अंदर खेल परिसर है तो पलवल जिले के अंदर खेल परिसर क्यों नहीं है, इस सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कोई ढो रहे हैं, एक बारिश हो जाती है तो नाव लेके जाना पड़ता है स्टेडियम में, तो कहाँ से हमारे युवा, हमारे आम घर घर के बच्चे प्यारे जो फौज की तैयारी करते हैं सड़कों पर रेस करते करते उनके घुटने घिस जाते हैं, कई बार तो एक्सीडेंट हो जाता है, उनके लिए स्टेडियम कहाँ से आएंगे, कहाँ करेंगे वो रेस, गाँवों में आपके स्टेडियम इनके पास पैसे नहीं उनको देने के लिए। तो बड़ी पीड़ा मेरे मन में है, और ये बात वोट लेने की नहीं है, ये बात जन सुविधाओं की लड़ाई की है, पार्टी कोई हो दल कोई हो, लेकिन समाज में जो व्यक्ति शिक्षित होकर जो लड़ना चाहता है सामाजिक मुद्दों पर, आप सबको भी उनके साथ सहयोग करना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, फिर जनता के सवाल लेंगे अगर कोई करना चाहेंगे आपसे तो ऑडियंस में जी। नीला पटका चुनाव तक पहना है, आगे तक पहने रहोगे? देखिए जहाँ तक नीले पटके की मैं बात करूँ, हमारे राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं, सभी वर्गों को साथ लेकर सभी जातियों को साथ लेकर वो चल रहे हैं। मैं अपने जाट समाज की बात करूँ तो विनेश फोगाट के जहाँ तक हक की बात थी, आज भी लोकसभा उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को लोकसभा के अंदर स्पीकर महोदय सम्मानित करें, उनके जब न्याय की बात थी तब भी वो लड़े। मैं गुर्जर समाज की बात करूँ तो गुर्जर रेजिमेंट की बात वो करते हैं, और अपने समाज के लिए न्याय और इंसाफ की लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं। तो हम जैसे लोग जो न्याय की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और यूनिवर्सल मुद्दों पर कि अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे खेल की सुविधाओं पर हम लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे एक नई पार्टी के रूप में। पलवल के अंदर सबको देख लिया, कांग्रेस का शासन भी हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी का शासन भी हमने देखा। यदि कोई भी व्यक्ति जवाब देना चाहता हो तो मुझे जवाब दे दे कि 10 साल के अंदर आज तक नर्सिंग कॉलेज में एक क्लास क्यों नहीं लगी आपसे, हमारे सिविल हॉस्पिटल में TV की दवा और ऑपरेशन थिएटर का AC क्यों खराब पड़ा रहता है। तो बड़ी पीड़ा मन में है, और उस पीड़ा को आप सबके बीच में रख रहा हूँ। तो बैसला जी आपका धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बेहतर करें। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।